जय मित्रों, मैं जो अगला वीडियो अपलोड किए थे उसमें आपको महात्मा गांधी के बारे में जैसे कि चैप्टर आपको पता था, चैप्टर गोदली का क्लास टेन का गोदली के बारे में चैप्टर था, उसमें सब कुछ बताया गया था लेखक के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक था कि महात्मा गांधी के पुत्र तीन बताया गया था, उसमें एक्चुअली महात्मा गांधी के पुत्र चार थे और इसमें चार पुत्र का नाम मेंशन कर रहे हैं। चार पुत्र उनका जो थे, तो चार पुत्र मुख्य रूप से चार पुत्र थे। चार चैप्टर नाम क्या था? चैप्टर के नाम मुख्य रूप से आपको पता होगा, चैप्टर के नाम था होगा शिक्षा संस्कृति, चैप्टर गोदली क्लास टेन, क्लास टेन था और चैप्टर चैप्टर का नाम था शिक्षा संस्कृति। बारहवा चैप्टर था, चैप्टर बारह था शिक्षा संस्कृति, शिक्षा और शिक्षा संस्कृति था, शिक्षा क्लास टेन है ना, फिर क्लास टेन, क्लास टेन और हिंदी था, हिंदी ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा फर्स्ट वीडियो में, ये सेकेंड वीडियो है ना, पार्ट टू, पार्ट टू वीडियो का पार्ट टू है, पार्ट टू है, पार्ट टू वीडियो, पार्ट वन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और बेसिकली आपको उसमें बता दिया गया है लेखक परिचय के बारे में, वैसे आप देख रहे हैं शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक है आपको महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या लिखे हैं इस पार्ट में पूरा व्याख्या करेंगे, पार्ट का पूरा वर्णन करेंगे, पार्ट की प्रकृति क्या है, विधा क्या है बताया गया, साफ साफ कहा गया है ये पार्ट जो कि शिक्षा संस्कृति है इसके रचनाकार महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, सब कुछ आपको पार्ट वन वीडियो में मिल जाएगा। ये पार्ट वन पूरा एक्सप्लेन है कि महात्मा गांधी ने क्या लिखे थे, अर्थात शिक्षा संस्कृति का उद्देश्य क्या है, क्या समझाना चाहिए महात्मा गांधी। मुख्य रूप से आप देखिएगा तो शिक्षा संस्कृति जो विधा है उसमें बताए थे कि शिक्षा संस्कृति एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है जो महात्मा गांधी लिखा करते थे। वैसे वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं वीडियो क्या क्या खर्च है, आइए हम मतलब मेन पॉइंट पर बात करते हैं। वैसे एक बता रहे उसमें पॉइंट मिस्टेक क्या हुआ था कि महात्मा गांधी के तीन पुत्र का नाम चर्चा किए थे हम, एक पुत्र का नहीं किए थे। जैसे महात्मा गांधी के कुल चार पुत्र हैं है ना, तो वैसे चार पुत्र कौन कौन थे, तो चार पुत्र में चार पुत्र थे, चार पुत्र, चार पुत्र कौन कौन थे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के चार पुत्र थे, गांधी, गांधी के चार पुत्र, चार पुत्र, चार पुत्र में पहला जहाँ मैंने पता आपको तो हरिलाल गांधी, हरिलाल दो के अंत में लाल लगता है, हरिलाल गांधी जल्दी समझिएगा, गांधी है ना शॉर्टकट में गांधी ओके। दूसरा मनी, मणिलाल, लाल गांधी, वैसे ये भी पता होगा आपको जल्दी। ये आपका तीसरा रामदास गांधी, राम रामदास ठीक है, दो बेटे के अंत में का लाल लगता है, दो बेटे के अंत में आपका दास रखता है, रामदास, देवदास, देवदास बहुत छोटे थे, छोटे वाले थे, गांधी ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए ये वाला बात थोड़ा सा मिस्टेक उसमें बोला गया था, तीन और तीन नाम की चर्चा किए थे, मणिलाल गांधी का चर्चा नहीं किए थे, तो उसमें थोड़ा सा इसको सुधार एड कर लीजिएगा, माइंड में इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। तो गांधी जी के चार पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, हरि मणि राम देव, 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 कहानी क्लियर हो गया, ऐसे बोलेगा तब हो जाएगा, हरी लाल मणि लाल रामदेव रामदास देवदास ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से इसको बात कर चुके हैं, हम आगे का टॉपिक बात करेंगे, जैसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैक करके, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। यहाँ पर आइए पॉइंट पर बात करते हैं, शिक्षा संस्कृति में शुरुआती विकास क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य उनका, बेसिकली पाठ क्रम का लिखने का उद्देश्य है कि शिक्षा क्या है, अर्थात हमें शिक्षा किस प्रकार की ग्रहण करनी चाहिए, शिक्षा कैसा होना चाहिए। आज शिक्षा एक प्रकार का बोझ हो चुका है, जैसे देखा जाए तो जिस प्रकार से स्टडी का पीरियड चलता है बच्चों को शिक्षा बोझ लगता है, जैसे कॉपी निकालते हैं और उनको नींद आ जाता है। इस तरह देखिए
तो गांधी जी चाहते हैं कि ऐसा शिक्षा हो जिसे बच्चा मतलब बोझ समझ के नहीं, उसे इस प्रकार से वो खाने पीने का सामान या उत्साहित चीज़ों को देख कर उसको खुशियाँ आती है, उस प्रकार से लगे शिक्षा, मतलब शिक्षा ग्रहण करने में उसको खुशी प्राप्त हो, अर्थात उसको बोझा नहीं लगे, अर्थात हल्का करना चाहते हैं गांधी जी। इसीलिए शिक्षा संस्कृति का ये प्रस्तावना हम लोग सामने आया है चैप्टर 12 के माध्यम से। जानते हैं इस पुस्तक का नाम गोधुली है, ये पता होगा आपको, गोधुली 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 पुस्तक का नाम क्या है, गोधुली। चले हम लोग पॉइंट बात करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कौन सा पुस्तक का पाठ पढ़ रहे हैं, ये गोधुली है, वो क्या है, गोधुली गोधुली है। जैसे कि आपको पता होगा गोधुली के बारे में, गोधुली का क्या होता है ना, पढ़े होंगे तो गोधली, गोधली का होता है, देखिए देहात में गोधली का होता है गोधर बेला भी बोलते हैं या फिर छुटपुटाए बोलते हैं, जनरली ऐसे कई संध्या के समय, वो संध्या के समय जिस समय पशु पशु पक्षी हैं सब चर करके अर्थात अपना दाना पानी रोता है चर करके जब घर को वापस लौटते हैं तो समय आकाश में सूरज का अस्त यूं मानिए कि लगभग होने वाला होता है, हो रहा होता है, वो बेला को हम क्या करते हैं, लाली मा छाया होता है, उस बेला को हम लोग कहते हैं गोधली, गोधली करते हैं। इस समय यही बेला के समय आपको पता होगा हिरण्यकश्यप प्रहलाद का पिताजी का मृत्यु हुआ था, प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप का मृत्यु हुआ था जो कि होलिका के भाई थे। वैसे कि सब ऐतिहासिक बात है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक शब्द हो जाता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि गोधली का होता है, आप जानिए गोधली का मतलब है ना, गोधली का मतलब होता है अर्थात वो बेला जिसमें पशु पक्षी शाम के समय जब चर के वापस लौटते हैं उस बेला को हम लोग कहते हैं गोधली बेला, वो लाली मा छाया हो रहता है आकाश में वही बेला को करते हैं, अर्थात उसको आप कह सकते हैं क्या, ना तो दिन और ना ही रात, नहीं एक प्रकार का संध्या का समय होता है, नहीं दिन है नहीं रात के बीच वाला समय, इसलिए उस बेले को कहा गया है गोधली, ठीक है, जरा याद रखिएगा। तो अगर मुद्दा पर आते हैं थोड़ा सा पॉइंट बात करें, गांधी शुरुआती स्तर में कहें शिक्षा, शिक्षा के लिए कैसा होना चाहिए, तो गांधी जी अपने अनुसार से शिक्षा के कुछ पैटर्न बनाए हैं और बताए हैं कि काश अगर हमें मौका मिले तो हम शिक्षा को इस प्रकार से ढालना चाहेंगे और इस प्रकार से शिक्षा को हम देना चाहेंगे, लोगों के सामने परोसना चाहेंगे शिक्षा के इस प्रस्ताव को। तो गांधी जी ने कुछ प्रस्ताव को सबके सामने रखे हैं, कहे हैं कि सबसे उदार और बढ़िया शिक्षा गांधी जी अहिंसा प्रतिरोध को मानते हैं, और यकीन पूछ लेता है कि सबसे उदार और सबसे बढ़िया शिक्षा गांधी जी किसको मानते हैं, तो अहिंसक प्रतिरोध। यह अहिंसक प्रतिरोध क्या है आप समझिएगा, अहिंसक प्रतिरोध का मतलब होता है वह कि अहिंसा के प्रतिरोध करने वाले, अर्थात देखिए विरोध और प्रतिरोध में अंतर है, यहाँ पर देखिए सबसे उदार और बढ़िया शिक्षा क्या है, अहिंसक प्रतिरोध मतलब हिंसा नहीं और हिंसा, अहिंसक आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो अहिंसा, हिंसा देखिए मुख्य रूप से, हाँ हिंसा मतलब क्या हुआ, मार काट हुआ, मार काट, अहिंसा में क्या हुआ, मार काट नहीं शांति से पेश आना, शांति से पेश आना, अर्थात मतलब कि गांधी देखिए कई बार आप सुनते होंगे तो कई बार कहा जाता है गांधी जी के तीन बंदर थे, है कि नहीं, एक कहते थे बुरा देखो नहीं, एक कहते थे बुरा सुनो नहीं, एक कहते थे क्या बुरा बोलो नहीं, इस प्रकार से तीनों तीनों बात को दर्शाया जाता है, आप समझिए मुख्य रूप से गांधी जी यहाँ पर एक नरम दल के नेता थे, अर्थात उनका कहना था लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं है, जहाँ तक क्या होगा लॉस होगा, अर्थात लड़ाइयाँ में दोनों पक्ष का लॉस होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन जिसका कम होता है तो लोग सोचते हैं क्या चीज़ की मेरा बेनिफिट हुआ, बेनिफिट किसी का भी नहीं हुआ आज तक लड़ाइयाँ में अक्सर, है ना, थोड़ा बहुत किसी को कम किसी को ज़्यादा हानि होता है, लड़ाई में अक्सर हानि ज़्यादा लाभ कम होता है, लाभ तो उम्मीद ही मत रखिए, लाभ नहीं होगा जनरली समझिए, क्योंकि आपके द्वारा किसी का जान जाएगा या किसी और के द्वारा जाएगा, अर्थात लड़ाइयाँ में अक्सर हानि ज़्यादा होता है लाभ कम होता है, अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा मानते हैं, अलग से ये कहते हैं कि अगर है ना अगर बढ़िया शिक्षा प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले अहिंसक प्रतिरोध को सपोर्ट करना होगा, मतलब अहिंसा नहीं होनी, हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसक को बढ़ाना होगा, अर्थात हिंसा होगा मारपाट होगा तो शिक्षा का प्रभाव कुछ अलग क्षेत्र में चला जाएगा। गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले नंबर बच्चों को ऐसा शिक्षा मिलना चाहिए जो कि किताब कापी से रिलेटेड नहीं हो, एक आध्यात्मिक शिक्षा होना चाहिए, गांधी जी कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा मतलब कि एक आप लिखे थे देखिए आध्यात्मिक शिक्षा, गांधी जी कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा का मेरा मतलब है क्या चीज, हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा, गांधी जी कहते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा उसे होना बहुत जरूरी है, गांधी जी का मानना है सबसे पहले हिंसक नहीं अहिंसक बनी, उसके बाद और शिक्षा कैसा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक, मतलब कि पहले ये जान लो तुम कि सबसे पहले नंबर कि तुम हो क्या है, कि नहीं मनुष्य हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व क्या है वो जानते हो तुम नहीं, तो सबसे पहले नंबर क्या है, आपको आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ हैं, शुद्धता छुपी हुई है, सच्ची शिक्षा के लिए गांधी जी इतना प्रस्तावना को कहते हैं कि सबसे पहले आध्यात्मिक शिक्षा होना बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक शिक्षा मतलब कि लिखने पढ़ने की शिक्षा नहीं, मानसिक स्तर की शिक्षा जिससे वो अपने आप को समझ हो सकता है, अपने अंदर जो इंसान मतलब भद्दा सा महसूस करता है वो चीज़ उसके अंदर से हट जाएगा, कब, जब आध्यात्मिक शिक्षा प्रवेश करेगा तब, इसीलिए इंसान को बस आध्यात्मिक बनाने के लिए पहले आध्यात्मिक शिक्षा होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मतलब पहले डायरेक्ट कब शुरू कर दिया, गांधी जी कहना कि अगर हमें मौका मिले तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले बच्चों को आत्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान और आत्मा क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है, क्या क्या कर सकता है वो दो, मैंने वो उसे बताना चाहिए,
अर्थात गांधी जी का मानना है कि अगर हमें मौका मिले, गांधी जी कहते हैं कि मौका हमें मिले तो मैं तो यही चाहूंगा कि सबसे पहले उसे आध्यात्मिक शिक्षा मिले, अर्थात हृदय की शिक्षा मिले, हृदय की बातों सुना। लेकिन कई बार आप जानते हैं कभी कुछ घटना घटता है तो वहाँ पर आपको कुछ या करने के बारी आता है, अच्छा या सही काम, तो वहाँ पर दो विचार आता है, गलत काम करने जाते हैं दो विचार आता है, करें या ना करें। तो आप समझिए जो कह रहा है करें वो समझिए कि मन की बात है, जनरली ऐसी आउट थॉट है, वो आपका बाहरी सोच है, और जो आपको अंदर से लग रहा है नहीं है, इसका परिणाम बुरा होगा और गलत होगा, तो समझिए कि वो अंदर से आ रहा है। अगर आपके पास ये आध्यात्मिक शिक्षा होगा तो सबसे पहले आप रुक जाइएगा, कदम आप पर रुक जाएगा और आपके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो गांधी जी के मानना है कि कोई भी इंसान लेकिन अपने आप को डेवलप अर्थात विकास तभी कर पाएगा बढ़िया से, जो भी पढ़ रहा है किताब ज्ञान उसका विकास वो तभी कर पाएगा कब, जब उसके पास है कि नहीं आध्यात्मिक ज्ञान होगा कब। इसलिए गांधी जी का कहना है कि हृदय की शिक्षा होना बहुत जरूरी है, लिखा पढ़े से पहले अर्थात कलम कापी के ज्ञान से पहले बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए, जिससे क्या करेगा वो हृदय को शुद्ध कर पाएगा अर्थात स्वच्छ कर पाएगा, और उस हृदय में आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। लेकिन कहा गया है अनुर्ण मौतम आत्मा जनर निहित गुहायाम, इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, वो छोटा सा छोटा विशाल से विशाल है, पता ही आत्मा आत्मा में ही जुड़ता है, कुछ परम तो हो जाता है परमात्मा यानी कि महान आत्मा, अनुर्णीय छोटा से भी छोटा आत्मा ही है, अविशाल से विशाल भी आत्मा ही है। इसीलिए यहाँ पर बाहर आत्मा है क्या, आत्मा वो जीवंत प्रतीक है जिसके कारण आज आप बोल रहे हैं चल रहे हैं। सिंपली सत्य क्या है, सत्य वो है जो प्रकृति से सबसे रिलेटेड है, और सत्य अर्थात मतलब जो आप देख रहे हैं जो सत्य घटित घटना है जो प्रकृति के द्वारा सब कुछ सत्य है, बाकी मानव कृति द्वारा घटित हो रहा है वो सब कुछ क्या सत्य है। यूँ मान लीजिए कि जैसे क्या एक बम फोड़ा गया तो क्या है प्रकृति घटना नहीं है, एक्चुअली प्रकृति घटना जितना भी है वो सत्यता से आधारित है, इट इज नॉट अमेजिंग आई एम सॉरी इट इज नॉट अ वर्चुअल, ये प्रकृति घटना जो है ये वर्चुअल नहीं है, ये रियलिटी है जो घटित हो रहा है, आप रोक नहीं सकते हैं, सूर्य का उगना रोक सकते हैं नहीं, ठीक नहीं, जैसे कि मान लीजिए दिन रात होना रोक सकते हैं नहीं, पृथ्वी गति रोक सकते नहीं, इट इज ट्रू ये सत्य है, ठीक है ना, सत्य को रोक नहीं सकते आप। प्रेम प्रेम क्या है, एक दूसरे को पहचान लेना, सत्य का भावना एक दूसरे के अंदर के लेकिन अंदर के बातों को सत्यता का पहचान लेना, सत्यता के परक प्रेम है। इंसान प्रेम क्या होता है, दूसरे को एक हृदय से दूसरे हृदय का जुड़ना जुड़ा अर्थात दूसरे हृदय की पीड़ा को दूसरे हृदय को पता होना चाहिए, दूसरे को परक हृदय के परत होने प्रेम है। जैसे आज का प्रेम तो जान ही रहे कि आप मोहन चल गया है, यहाँ पर आत्मा में क्या कर सकती है छुपी है, बताइए महात्मा गौतम बुद्ध के लिए गौतम बुद्ध हो गए हैं, आपका गौतम बुद्ध हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, बड़े बड़े व्यक्ति लोग हैं जो आध्यात्मिक लोग हैं, है ना, वो लोग बताइए आपने आत्मा की शक्ति को जैसे क्या क्या नहीं प्राप्त कर लिया। आज गौतम बुद्ध का कहते हैं एसी ऑफ लाइट कहा जाता है, तो समझिए बात को, उन्होंने किस पर फोकस किया, उन्होंने हृदय की शिक्षा पर फोकस किया और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया और अपने ज्ञान को बढ़ाया, तभी जाकर के आज क्या है, आज उनको एसी ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है ना, ऐसे ऑफ लाइट। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान मतलब की हृदय ज्ञान, गांधी जी कहते हैं कि मैं जब सत्याग्रह का प्रचलन कर रहा था, सत्याग्रह का जब कार्यकाल चल रहा था तो उस समय मैं सत्याग्रह के आंदोलन जो कर रहे थे भारत में, उसमें भी मैं है कि नहीं बच्चों की सत्य की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों की सत्य की शिक्षा के लिए सत्याय के लिए सच की शिक्षा के लिए टॉलस्टॉय के फॉर्म में और फिनिक्स आश्रम याद रखेगा टॉलस्टॉय के फॉर्म में और फिनिक्स आश्रम में इन्होंने बच्चों को सत्य की शिक्षा के लिए प्रेरित किया और बढ़ावा दिया, अर्थात कौन संग्राम युद्ध है जो मुसीबतें आता है, अगर कस के कितने बड़ा मुसीबत आता है, कितने से कितने बड़ा मुसीबत अगर आता है उसको अगर झेलने में उसमें ताकत आ जाती है तो समझ लीजिए कि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, हृदय की शिक्षा है, घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत से तब तक लड़िए जब तक मुसीबत को आप ना पटक दें, मुसीबत डर जाए, मुसीबत को लगे कि कौन सा भूचाल आ गया मेरे साथ अर्थात तब समझिए कि आपकी सफलता 100% फिक्स है, कब जब आप मुसीबत को पटक देंगे तब लड़िए उससे, लेकिन मुसीबत से लड़ना चाहिए तब तक जब तक आपकी जीत ना हो जाए। देखिए जीत तब तक नहीं होती है जब के आप मुकाबला नहीं करते हैं, हार तो उसकी होती है जो पहले से उम्मीद किसी प्रकार का लिया नहीं है और मैदान में उतर गया है, तो एक उम्मीद एक वो ज्योति जगा के जाइए। देखिए सबसे बड़ा बात एक और है, क्या चीज, अपने को कमजोर समझना सबसे महा बुरा बात है, सामने का कमजोर समझना तो बुरा बात है, ये तो गलत बात है, सामने वाला आपके साथ लड़ने आया है सामने वाले कमजोर समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान रहे हैं कि सामने वाला आपके साथ लड़ने आया है उसके बाद क्या है वो कमजोर है, ये आपकी कमजोरी है
लेकिन अपने आप को आप कमजोर समझ रहे हैं कि इससे हम लड़ पाएंगे तो कुछ तो बहुत बड़ा भूचाल है, इससे क्या मतलब तो हमको पटक देगा। यानी समझिए कि आप ये सोच रहे हैं कि अपने आप को कमजोर, ये सबसे बड़ा आपका कमजोरी है दुनिया में, सबसे बड़ा कमजोरी अपने आप को कमजोर समझना है। कमजोर में समझिए, यूँ जान लीजिए कि आज जो वीडियो बना रहा है, आप जो देख रहे हैं, जो आप मोबाइल है वगैरह, जो भी चीज़ आपका पंखा चल रहा है, बेड छिलना पुना कोई और नहीं, भगवान जी आपने बनाए, इंसान बनाए इन्हीं हाथों से, अर्थात संघर्ष करके आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो संघर्ष करना रुकना नहीं चाहिए, संघर्ष चलते रहना चाहिए। यस, जो चलता है वही चमकता है। हुआ देखिए, आप जानते होंगे बर्तन जो मजाता है वही चमकता है, जो नहीं मजाता है उसे करके गंदा रहता है। तो मुझे बात गांधी जी कहते हैं शिक्षा का जरूरी अंग क्या है, कहते हैं जरूरी अंग वो है कि अगर कोई बच्चे अगर जीवन के संग्राम में मुसीबतों से लड़ना सीख लेता है, तो समझिए कि हम मानेंगे कि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, शिक्षा है। प्रेम घृणा से जीत, अर्थात कह रहे हैं कि प्रेम से वो घृणा को जीत लेगा, गंदगियां जितना भी फैला रहे लेकिन उसके पास अगर घृणा में ज्ञान होगा क्या करेगा, प्रेम से घृणा को जीत लेगा। प्रेम से किसको जीत लेगा, घृणा को, असत्य से जीत लेगा असत्य को। कितनों भी असत्य आ जाए लेकिन उसके समय टिक नहीं पाएगा, हाँ रखेगा जब सत्य तुम्हारे पास होगा। तो सहन से सहनशील बनिए, है ना, सही श्रोता अपने अंदर रखिए। सही श्रोता का मतलब होता है सहने की भावना रखिए, तभी कुछ कर पाएगा जीवन में। सहनशीलता से आप कष्ट को जीत सकते हैं और स्वयं जीतने की सीख अगर आपको मिल जाता है, कैसे, प्रेम से घृणा को सत्य से असत्य को सहन से कष्ट को जीतने की क्षमता आ जाता है, तो समझिए कि सबसे बहुत जरूरी अंग है आपका यही चीज। क्या चीज, प्रेम सहन सत्य इत्यादि सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके जीवन का। अगर ये चीज आप नहीं करते, ये चीज आपके पास नहीं होता है, तो बड़ी बड़ी मुसीबत जीवन में आएंगे। जीवन क्या है, जीवन बोले ना एक गंगा एक नदी, नदी के दुख और सुख किनारा, इसका दो किनारा, दुख और सुख, दुख भी मिलेगा सुख भी मिलेगा, कभी एक किनारा कभी भी किनारा। तो डरना हड़बड़ाना डरना नहीं है, अगर दुख के किनारा मिला है तो जम के मेहनत कीजिए, कस के एकदम, है ना, अतवा से सुखवाइए उसको, अपनी नौका को सुख ना जाएगा, बहुत अगर पार हुआ दूसरा किनारा जाएगा, दूसरा किनारा एकदम सुख से भरा हुआ है और उसके बाद पूरा के पूरा एकदम गर्द। इसीलिए बार बार बोलते हैं क्या चीज, ये शिक्षा का जो नियम है आपका क्या, प्रेम सहन और शक्ति से क्या कीजिएगा, घृणा को सत्य को और कष्ट को जीत सकते हैं, और एक अलग प्रकार के आप विद्यार्थी को उपयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा बात, गांधी स्वयं पहले सुनाते हैं, बोलते हैं गांधी कहना है कि लिखने पढ़ने वाला जो ज्ञान है वो बाद में होना चाहिए, लेकिन अध्यात्मिक ज्ञान पहले होना चाहिए, अर्थात हृदय ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए। गांधी जो बहुत सारी बात बोले हैं, कहते हैं कि असूल ज्ञान इंद्रियां, असूल ज्ञान इंद्रियां कह रहे हैं किसको, अर्थात हाथ पैर कान नाक को, ये सब ज्ञान जुड़ा हुआ है आपका किसी हृदय के ज्ञान से। अगर आपको हृदय के ज्ञान रहेगा, आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा, अर्थात इनसे कंट्रोल आप होंगे, तो उसके बाद आपके अंदर, है ना, हाथ चलाने का, पैर चलाने का, आँख चलाने का, नाक चलाने का, बोलने का, मुँह चलाने का एक अलग प्रकार का ढंग होगा। अगर आपके पास सही सुनता है, सहने की शक्ति है, प्रेम है, सत्य है, सहनशीलता है आप, तो आपके बोलने का ढंग और तरीका और बिहेव करने का तरीका, व्यवहार आपका बहुत अलग होगा, और आपके हाथ पैर हाथ नाक सब कुछ एक सही तरीका से एंगल से काम करेगा। कभी कभी देखते हैं बच्चे बहुत पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, किताबी ज्ञान बहुत सारा हो जाता है, लेकिन उनके पास यही बताएं आपको क्या चीज, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आ पाता है, और तब जाकर के गांधी जी कहते हैं कि वैसे एकदम वो विकार हो जाते हैं, उस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु को हम यूज करने के लिए लाए हैं और लंबा समय से रखा हुआ उसका कोई यूज नहीं, बर्बाद हो गया, अर्थात इसीलिए मतलब यूँ समझ लीजिए कि कोई वस्तु जो आप यूज के लिए लाए हैं उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, बर्बाद, अर्थात वो ज्ञान बर्बाद होता है किसके बिना, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना, किताबी ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान के बिना बर्बाद है। यूँ मान लीजिए कि आध्यात्मिक ज्ञान एक पात्र है जिसमें आपका किताबी ज्ञान रखा जाए, तो सबसे पहले पात्र चाहिए, तभी जाकर तो उचित रखा है। गांधी जी का और बात करना है, अस्तु ज्ञान, अस्तु ज्ञान समझेंगे आपके पैर हाथ पैर नाम कान का वायु बोल रहे हैं, ये सब सही से कब चला पाएगा इंसान, यूज कर पाएगा तब जब उसके पास होने के आध्यात्मिक ज्ञान होगा, और उसके पास सबसे उदार बढ़िया शिक्षा होगा, तब सत्य और प्रेम इत्यादि का परक होगा, तभी जाकर वो सच्ची शिक्षा के वजह से कारण ही सच्ची शिक्षा उसके पास होगा, तभी जाकर तो हम बोलने का बड़ा क्या चीज कि ये सब गांधी जी कहना है उससे कि देखिए प्रारंभिक शिक्षा गांधी प्रारंभिक शिक्षा का सिद्धांत कैसा होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा क्या होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा में गांधी कहते हैं कि मेरे अनुसार अगर हमको मौका मिले तो प्रारंभिक शिक्षा को पहले सफाई तंदुरुस्ती भोजन स्वस्थ और अपना काम खुद करे और माता पिता की मदद करे, ऐसा शिक्षा हम उसको देंगे। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बच्चों को पहले ही शिक्षा के बाद कुछ होने वाला नहीं है, पहले उसको स्पिरिचुअल बनाइए, आध्यात्मिक बनाइए, ये चीज के शिक्षा दीजिए। इसीलिए गांधी जी कहते हैं अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए तो मैं बच्चों को पहले बताऊंगा, पहले साफ सुथरा रखने के लिए सिखाऊंगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है कि साफ कैसे रहा जाता है, कैसे किया जाता है, अर्थात साफ सुथरा के बारे में तंदुरुस्ती कैसे अपने आप को हम बना सकते हैं, क्योंकि है ना जब तक खाओगे नहीं तब तक कैसे पढ़ोगे, कैसे लिखोगे, अर्थात कैसे कुछ करोगे, कैसे कोई काम करोगे, अर्थात खाना तंदुरुस्ती समय से खाना पीना ही बहुत जरूरी है। तंदुरुस्ती के बारे में कैसे फिट रहा जाए, कैसे यानी कि एक इंसान अच्छा तरीके से रह सकता है उसके बारे में बताएंगे गांधी जी कहते हैं।
कि भोजन शास्त्र के बारे में बताएंगे, भोजन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से भोजन हमारे लिए मतलब अपशिष्ट होता है ना, ये अपना काम खुद करे, ऐसा प्रेरित करेंगे है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फिश नहीं बने, स्वयं करे, अधिकार को स्वयं पर रखे, नहीं आई कैन डू इट मैं कर सकता हूँ ये काम, ऐसा उसके अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आई कांट डू दिस वर्क, ऐसा नहीं मुझे मैं काम को नहीं कर सकता हूँ, भागे नहीं उसमें, जंप के मुकाबला करे, अर्थात अपने काम स्वयं करे और घर पर माता पिता को मदद करे, गांधी जी करते परम शिक्षा मेरे हिसाब से यही है, समझ गए होंगे, चरित्र निर्माण करते गांधी जी, चरित्र के निर्माण में मेरे हिसाब से गांधी जी कहते हैं कि मेरे अनुसार चरित्र के निर्माण में साहस, मन, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करना बहुत जरूरी है। चरित्र का निर्माण तभी सही से हो पाएगा, सही निर्माण हो पाएगा जब कोई बच्चा साहस के साथ, बल के साथ, सदाचार के साथ और बड़े लक्ष्य के बड़ा सीमेंट तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, एक छोटा सा अचीवमेंट लेकर के आप छोटा सा सोचते हैं हम कुछ लोग 300 नंबर आने का पास होने को देखें तो कार पड़ रहा है घर में रहिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मतलब सिर्फ पास होने में नहीं, एक अच्छा सा बेहतरीन ज्ञान के लिए आप स्टडी कीजिए, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा, आपके बेहतर से बेहतर एक नॉलेज के लिए पढ़िए, एक अच्छा सा अंक के लिए नहीं, एक बेहतर नॉलेज के लिए, एक बेहतर नॉलेज आपको स्वयं एक अच्छा सा अंक दिला जाएगा, पहले क्या करना है एक अच्छा सा बेहतर साहस करिए, न क्या दिक्कत है, अभी भी है मेरे पास 4 मंथ का समय, हार देंगे, चीड़ने का कवार देंगे, ऐसे होना चाहिए साहस, उम्मीद, उसके बाद क्या बल, ताकत होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ताकत ये नहीं है, ये ताकत नसफल होता है, ये नहीं छोड़ जाएगा एक दिन, ताकत यहाँ से होना चाहिए, मानसिक ताकत की बात कर रहे हैं गांधी जी, है ना, सदाचार, सबसे अच्छे विचार रखिए, अगर आपके सहपाठी अगर मान लीजिए कि पहले रैंक पर आ गए हैं आपकी क्लास में, क्या दिक्कत है, मेहनत करके आप आगे निकलिए, जनरली सीधा सीधा सदाचार सत्य विचार रखिए, सदाचार सबके समान समान भावना के विचार रखिए, बड़े लक्ष्य का भावना कीजिए, अचीवमेंट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और करना है पीसी वगैरह वगैरह थोड़ा सा बड़ा बड़ा टारगेट रखिए, उसके बाद मेहनत कीजिए, अरे मान लीजिए कि 5 में टारगेट मेरा अच्छा तो आप हो ही जाएगा संघर्ष करेंगे, तो इस पर बड़ा अचीवमेंट गांधी जी के चरित्र निर्माण में करते हैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य कामने से ही, इस पर काम करने से ही सदाचार तथा बड़े अच्छे आचरण और का निर्माण किया जा सकता है, अगर ना हो तो सब नहीं हो पाएगा। गांधी जी एक दूसरा मुद्दा पर बात करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि लोग अन्य भाषा, यहाँ अन्य भाषा के मतलब गांधी जी क्या कहें, इंग्लिश के बारे में याद रखिएगा, लोग इंग्लिश को बहुत बड़े ग्रेट मान रहे हैं, इसके पार्ट में आगे की बात है, आगे के पार्ट में ही बात करें गांधी जी, गांधी कह रहे हैं कि आजकल जो मतलब अंग्रेजी है इंसान इतना मतलब ट्रेक कर रहा है कि कुछ कहने के लिए, पर जैसे कि कवि हो गए हैं, कवि हैं कुछ, कवि हैं कुछ, कुछ कवि कुछ लेखक कुछ ऐसे हैं जैसे कि इंग्लिश का ही पूर्ण रूप से बढ़ावा देते हैं, और वो मतलब कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जिसको लगता है कि इंग्लिश नहीं है तो कुछ हम जानते ही नहीं, तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसा सोचना गलत है, ऐसा सोचना गलत है, हम लोग यही बात कर रहे थे क्या चेक किया गांधी जी अगले आगे के बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जो आज जो अगला टॉपिक आपका है, मैं हाँ वो एक भाषा का बात करते हैं गांधी जी, इंग्लिश भाषा का बात करते हैं कि आज के जो लेखक हैं, कुछ लोग लेखक और जो कवि हैं चाहे कुछ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी वगैरह हैं, उनको अगर इंग्लिश नहीं आ रहा है तो कुछ लोग उनको निंदा करते हैं और उसको बताते हैं कि तुमको इंग्लिश नहीं आता है, अर्थात माने कि दूसरा भाषा नहीं आता है जिसको कॉमन लैंग्वेज कहा जाता है, तो गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं है, संस्कृति सबके अपने अपने भाषाओं में होता है, देखिए आप अगर अपने संस्कृति को पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने भाषा में संस्कृति मिलेगा अर्थात हिंदी भाषा में मिलेगा, गांधी जी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको संस्कृत नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं विदेशी लैंग्वेज, विदेशी कल्चर को पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं, वो आपको दूसरे अच्छे अच्छे अनुवाद में मिल जाएंगे, हिंदी अनुवाद में मिल जाएंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भारत के ही कुछ चीज़ इंग्लिश में लिखा गया है उसको आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको बहुत सारे अनुवाद के रूप में मिल जाएंगे, अनुवाद अनुवाद का मतलब होता है उसके हिंदी रूप को, हिंदी रूप के वर्जन को आप पढ़ सकते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, देखिए जो चीज़ में आप अच्छे हैं वो चीज़ करने पर बेहतरीन होता है, जैसे कि आप हिंदी में अच्छे हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि गांधी जी का कहना है कि इंग्लिश नहीं आ रहा तो अर्थात आप कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा सोचना गलत बात है, गांधी जी का कहना है कि इंग्लिश पढ़ना गलत बात नहीं है, गांधी जी का कहना है कि इंग्लिश पढ़ें ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं पढ़ें, गांधी जी का कहना है कि बस इतना ख्याल रहे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसके पहले आपको हिंदी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका हिंदी कल्चर है, हिंदी संस्कृत आपका कल्चर का चीज़ है, आपका अपना कल्चर है, अर्थात आप अपने को नहीं देख रहे हैं और दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा बात हो गया है कि नहीं, अपना देश है ना, अपना देश को आप लात मार रहे हैं, अपना देश को आप तौहीन कर रहे हैं, अपना देश को बहिष्कार कर रहे हैं, दूसरे देश को आप बहुत बड़ा बड़ाई कर रहे हैं, क्या बात हो गया, अपने कल्चर को भूले बिना दूसरे कल्चर के बारे में जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, गांधी जी का भी मानना है कि हमारे घर के
आगे हमारे घर के अर्थात आसपास के हमारे घर के आसपास में भी विदेशी हवा बहे। विदेशी हवा बहने का मतलब गांधी जी कहते हैं कि हमारे घर के आसपास भी विदेशी यानी कि कल्चर बहे, विदेशी कल्चर का पालन मतलब लोग जाने विदेशी में क्या है। लेकिन बस एक चीज जानना है कि विदेशी कल्चर का जो संस्कृति है, वहाँ का जो संस्कृति है वो यानी कि हमारे ये घर के पास में क्या देश हुआ यानी भारत देश हुआ, भारत के भारत में भी लोग सीखें विदेशी कल्चर, लेकिन बस इतना ख्याल रहे कि वो अपना कल्चर को भूल ना जाए। अपना कल्चर को भूले बिना वो स्टडी करे, विदेश के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश के बारे में स्टडी करे, फ्रेंच के बारे में करे, कोई दिक्कत नहीं। और बढ़िया बात है कि हम लोग अपने कल्चर को जान करके जानबूझ करके यानी उसको समझ करके समझ बुझ लिए हैं, उसको जानकारी पूर्णता प्राप्त कर लिए हैं, दूसरे कल्चर का भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो डबल मायने हो गया, बहुत अच्छा बात हुआ। गांधी जी का ना ये कि अर्थात दूसरे कल्चर के ज्ञान प्राप्त करना कोई बुरा बात नहीं है, पर सबसे एक बार ध्यान रहे कि पहले अपना कल्चर भूल ना जाए, अपने कल्चर को भी एक सुंदर आत्मा में और आध्यात्मिक रूप में आपको हृदय की शिक्षा के रूप में उसको रखना होगा। जब तक उसको नहीं रखेंगे तब तक विश्वास करिए कि आप अपने देश के प्रति एक सद्भावना स्वरूप में आप विकास नहीं कर सकते हैं। गांधी जी इतना कह दिए हैं कि बहिष्कार अपने देश की संस्कृति को बहिष्कार नहीं कीजिए, अर्थात अपने देश की संस्कृति को आध्यात्मिक रूप में हृदय में हमेशा वास कीजिए और दूसरे देश की संस्कृति को बहने दीजिए। ये लेखक कवि और पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी को गांधी जी कह रहे हैं, ये सब बहुत जरूरी है। अगर भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों से, देखिए भारतीय संस्कृति जो विभिन्न संस्कृतियों से भिन्न है, सभी संस्कृतियों से भिन्न है, और इसका आघात जो है, इसका जो मतलब कि एक बहुत बड़ा जड़ जो है वो भारत है। और भारतीय संस्कृति में देखिएगा पौराणिक सभ्यताओं का वेद पुराण शब्द इतना बहुत बड़ा संस्कृत वर्णन है कि इसके बारे में आप सबसे बड़ा बात तो एक चीज़ मिलता है कि अभी अगर देखिएगा तो रूस वगैरह क्या हो रहा है, हिंदू धर्म को बहुत सारा अपना रहे हैं लोग, और यहाँ पर इंडिया में क्या हो रहा है कि हिंदू खुद अर्थात देखा जाए तो अपने हिंदुस्तान को समझ नहीं पा रहा है, यानी कि आप देखिएगा तो भारतीय लोग मतलब भारतीय कल्चर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब भारतीय कल्चर को रूस में और अन्य देशों में बहुत सारे कष्ट तेजी से वृद्धि हो रही है, लोग अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन रहे हैं, अर्थात सोचिए तो विदेश के लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और हम अपने कल्चर को भूल करके अन्य कल्चर को अपनाने की अन्य संस्कृति को, कल्चर की संस्कृति होता है, अन्य संस्कृति को अपना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बुरी बात है कि अपने चीज़ को खो करके भूल करके दूसरे का आघात करना और मतलब उसको स्पिरिचुअल बनाना एक गलत बात है। पहले अपना चीज को अपने हृदय की आत्मा के अंदर प्रवेश कीजिए और तभी जाकर के आप दूसरे को अपर अध्ययन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी का इतना ही कहना था, वो कहना था मुख्य रूप से चाहते थे कि हमारा ये शिक्षा एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि इंसान को बोझ न लगे और वो शिक्षा आत्मा सत्य प्रेम और आघात पर आधारित हो और हृदय की शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बोझ का। और गांधी जी मुख्य रूप से चर्चा किए इसमें संस्कृति का भी, संस्कृति हमारे देश की संस्कृति सर्वोपरि है, सबसे ऊपर की है, सलाखों पे है, अर्थात उसे सबसे पहले अपनाइए तभी जाके आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं। भाषा सीखने से कोई मना नहीं है, आप सीखिए पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी किसी के भी कल्चर के आप जानना चाहते हैं तो उसके अनुवाद से आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे खासे से आप समझ सकते हैं। ऐसा गांधी जी कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने संस्कृति में ज़्यादा माहिर होता है, अर्थात जैसे कि आपको हिंदी में होगा ज़्यादा और अच्छा इंटरेस्ट लगता होगा। इसी प्रकार से मुख्य रूप से गांधी जी की इन बातों को हम विराम देते हैं और आपको जो बात पता चला उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा और इसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।